नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अब से हम आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। इसके लिए आपको न्यूज के अंत तक बने रहना होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन की तारीख बढ़ी। बिहार के साइबर थानों को 4 महीनों में मिली अपार सफलता। प्रधानाध्यापक रोज स्कूल की गतिविधियों की देंगे जानकारी। फॉरवर्ड्स की लिस्ट में इन 4 भारतीय महिलाओं को मिली जगह। मनोज प्रभाकर बनेंगे बिहार क्रिकेट टीम के कोच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप का मौका। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए HCL की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार यहां अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से 5 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया HCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com पर जाकर पूर्ण की जा सकती है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 184 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने 10 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा कुछ पदों के लिए मैट्रिक के साथ संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। पात्रता की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन की तारीख बढ़ी। पिछले कुछ दिनों से बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट की सर्वर स्लो होने के कारण अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया जा सका था, जिसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग की जाने लगी थी कि आवेदन की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद अभ्यर्थियों की इस मांग को देखते हुए आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब आवेदन की आखिरी तारीख 12 जुलाई से बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दी गई है, यानी कि अब अभ्यर्थी अपना आवेदन 15 जुलाई 2023 तक आराम से कर सकते हैं। मालूम हो कि इस बारे में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है। वहीं अब बहुत जल्द ही इसको लेकर विभाग की ओर से भी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बता दें कि अतुल प्रसाद के द्वारा ट्वीट कर लिखा गया है कि TRE आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई है, जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा है कि जल्द ही हम अपनी सभी परीक्षाओं के अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करेंगे। इसके बाद TRE के और पहले की सभी परीक्षाओं के डेटा की भी यथासंभव इसके साथ जोड़ा जाएगा। बिहारी बोतरे में आज हम बात करेंगे शिवनाथ सिंह के बारे में। शिवनाथ सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1946 में हुआ था। यह भारत के कुछ महान लंबी दूरी के धावकों में से एक थे। शिवनाथ सिंह ने 2 बार एशियाई खेलों में और 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1976 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1976 के ओलंपिक पुरुष मैराथन में 11वें स्थान पर रहे। वहीं वह 1980 में मास्को में ओलंपिक पुरुष मैराथन से बाहर हो गए। उनका जन्म भारत में मझरिया बक्सर बिहार में हुआ था। वह बिहार रेजिमेंट में भारतीय सेना में शामिल हुए और नायब सूबेदार के पद तक पहुंचे। उनके पास सर्वश्रेष्ठ समय 2 घंटा 12 मिनट के साथ भारतीय राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड है। यह उपलब्धि उन्होंने 1978 में जालंधर में हासिल की थी। यह भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाला एथलेटिक्स रिकॉर्ड है। बता दें कि शिवनाथ सिंह ने अपने पूरे करियर में नंगे पैर प्रतिस्पर्धा की। नाड़ों का तटबंध बचाने के लिए पूरे सूबे में अलर्ट। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य के नहरों के तटबंध को टूटने से बचाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी सभी जिलों को दी गई है और साथ ही इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को नहरों के निरीक्षण को टास्क भी सौंपा गया है, जिसके तहत कनीय अभियंताओं से लेकर मुख्य अभियंताओं तक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस अभियान की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी विभाग की ओर से अधीक्षण अभियंता को दी गई है और साथ ही ने तीखा मोड़ और सिल्ट के साथ साथ स्कैप चैनल की जांच करने और उन्हें दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं सब के अलावा चूहों व लोमड़ियों द्वारा बनाए गए बिल व मांद को भी दुरुस्त करने को कहा गया है और पहली बार नहर खोदने के लिए पानी कम डिस्चार्ज करे और अंतिम छोर तक पानी पहुंचने के बाद पानी धीरे धीरे डिस्चार्ज करे। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्र आज यानी कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए छात्र secondary.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही आवेदन करने के लिए आवेदक को मोबाइल पर पासवर्ड दिया जाएगा और आवेदक का यूजर आईडी उनका मोबाइल नंबर होगा, जिसके बाद प्रवेश के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा से जुड़ी संबंधित किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0612-223-2074 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि फॉर्म भरने के लिए आवेदक की उम्र 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए और इसके साथ ही आवेदक राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 से अध्ययनरत हैं। बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा बिहार में मध्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के लिए निषेध सिपाही पद के लिए आयोजित की गई भर्ती परीक्षा में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बीते दिन जारी कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर प्रोविजन डिपार्टमेंट पर क्लिक करते हुए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि जारी किए गए परीक्षा के परिणाम में कुल 3,445 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके लिए जल्द ही सूचना प्रकाशित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भर्ती परीक्षा कुल 689 पदों के लिए ली गई थी, जिसमें कुल 269,370 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात में आई कमी। SRS की सांख्यिकी रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात में कमी आई है, जो कि राज्य के लिए अच्छा है। बता दें कि वर्ष 2018 में मातृ मृत्यु अनुपात 165 था, जो 2019 में घटकर 149 हो गया था और अब वर्ष 2023 में यह दर घटकर 130 पर आ चुका है। मालूम हो कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर घटकर 70 तक पहुंच जाए। इसके लिए विभाग की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि समीक्षा में यह पाया गया कि मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण हाई रिस्क प्रेगनेंसी और प्रसव पूर्व 4 जांच नहीं होने को बताया गया है। प्रधानाध्यापक रोज स्कूल की गतिविधियों की देंगे जानकारी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि 24 जुलाई से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन जिले के अफसर के साथ रूबरू होकर स्कूल के पूरे दिन की गतिविधि की जानकारी देने का काम करेंगे। बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा सभी पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। मालूम हो कि यह व्यवस्था पूरे राज्य भर में 24 जुलाई से लागू कर दी जाएगी। बता दें कि प्रधानाध्यापक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्कूल में शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना, पठन पाठन, साफ सफाई समेत सभी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। हालांकि अब तक यह निर्धारित नहीं किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय क्या होगा, लेकिन इसको लेकर जल्द ही विभाग की ओर से जानकारी दे दी जाएगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुंगेर किला के बारे में। मुंगेर का किला मुंगेर शहर के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन स्मारकों में से एक है, जो कि गंगा नदी के दक्षिण तट पर एक चट्टानी पहाड़ी पर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मुंगेर शहर की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, जिसकी राजधानी उस समय में चंपानगर हुआ करती थी। इस किले का निर्माण मगध के राजा राजशंख ने करवाया था, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। मुंगेर का किला अद्भुत और नायाब वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मुंगेर का किला 30 फीट की मोटी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ दरवाजे बनाए गए हैं। उत्तरी भाग के दरवाजे को लाल दरवाजा के नाम से जाना जाता है और यह दरवाजा नक्काशीदार पत्थरों से हिंदू और बौद्ध शैली में बनाया गया है। इस किले के भीतर एक गुप्त सुरंग भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। आप जब भी मुंगेर जाएं तो मुंगेर का किला जरूर घूमें। मनोज प्रभाकर बनेंगे बिहार क्रिकेट टीम के कोच। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार क्रिकेट टीम का कोच सह क्रिकेट एडवाइजर मनोज प्रभाकर को बनाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले मनोज प्रभाकर दिल्ली, यूपी, अफगानिस्तान और नेपाल के कोच रह चुके हैं। वहीं इन्होंने दिसंबर में नेपाल क्रिकेट टीम के कोच से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही यह खबर चलने लगी थी कि उन्हें बिहार क्रिकेट टीम के कोच के रूप में चुना जा सकता है। मालूम हो कि यह फैसला बिहार की टीम के रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में जाने तथा क्रिकेट में आने वाले भविष्य की चुनौती को देखते हुए लिया गया है। वहीं इस बैठक में इसके अलावा एलिट क्लास मैच की मेजबानी की संभावनाओं को देखते हुए मोइनुल हक स्टेडियम के मैदान को स्तरीय बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नोडल ऑफिसर की नियुक्ति के पूर्व के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। पैसे लेते रंगे हाथ निगरानी के हत्थे चढ़े दरोगा।
बिहार में इन दिनों घूस लेने वाले अधिकारियों पर प्रशासन की ओर से नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के नवादा जिले के नगर थाना का है, जहां नगर थाना में SI लाल बाबू को निगरानी के अधिकारियों के द्वारा 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार लाल बाबू के द्वारा एक व्यक्ति के केस के मामले में 1,00,000 रुपए की मांग की गई थी और इसी को लेकर निगरानी को यह सूचना मिली थी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने सत्यापन करने के बाद सोमवार को नगर थाना क्षेत्र में ही वर्दी में तैनात SI लाल बाबू को 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और निगरानी की टीम अपने साथ लेकर चली गई। मलमास मेले में तीर्थ यात्रियों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं। इस साल मलमास मेला की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है, जो कि 16 अगस्त तक चलने वाली है। ऐसे में इस मेले को लेकर कुंभ मेले की तरह व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले को लेकर खुद अलर्ट में हैं कि मेले में कोई कमी न रह जाए। उन्हें नियमित तौर पर प्रशासन की ओर से प्रगति रिपोर्ट सौंपी जा रही है। मालूम हो कि इस बार के मलमास मेला में लोगों को कई तरह की खास सुविधाएं मिलने वाली है। मेले में यात्रियों को ठहरने के लिए आश्रय पंडाल का निर्माण किया जा रहा, जिसमें शौचालय की भी व्यवस्था की जा रही। वहीं इस बार पहली बार लोगों को इस मेले में पीने के लिए गंगा जल मिलने वाला है। मेले में जितने भी मनोरंजन के प्रतिष्ठान हैं, दुकानदारों, प्रदर्शन स्थल, प्रशासनिक कैंप कार्यालय, मेला थाना, मेला केंद्रित रूम सहित मेला क्षेत्र में सभी तरह के व्यवसायियों को बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि इस बार मेले में विशेष सुविधा के रूप में टेंट सिटी, जर्मन हैंगर, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष, 4 नियंत्रण कक्ष, पेय गंगा जल, स्वच्छता शौचालय एवं स्नानघर, प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 24 घंटे CCTV से निगरानी, पार्किंग स्थल, फ्री वाईफाई और जगह जगह पर 5 टावर शामिल है। बिहार के साइबर थानों को 4 महीने में मिली अपार सफलता। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए गठित की गई टीम साइबर थानों को लगातार सफलता मिल रही है। बता दें कि इस मामले को लेकर ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर थानों के द्वारा पिछले 4 महीने में कुल 799 साइबर अपराधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं अब तक 8,56,00,000 की राशि को लोगों से मिली शिकायत पर बचाया गया है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए मार्च में, 1.9 करोड़ रिकवर अप्रैल में, 2.18 करोड़ रुपए और मई में 2.25 करोड़ की राशि शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अवैध लेन देन वाले 100 ऐप को चिन्हित कर RBI को उस पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश की गई है, जिसमें तारा रूपी, डेली लोन, आधार कैश, लोन ग्रोथ, वंडर लोन, स्विफ्ट रूपी कैश, फेथ ब्रो, मैक्सी लोन, फ्लेक्सी लोन, कैश लोन, माइकी रूपी लोन, क्लाउड लोन, पैसा जादू, लाइफ कैश और क्रेडिट वॉलेट, ये सभी शामिल हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रहे बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं अगर हम आज यानी कि 11 जुलाई के मौसम की बात करें तो IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के अधिकांश जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा IMD बिहार की ओर से आज को लेकर कुछ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया और सुपौल जिलों में एक या दो स्थानों पे अति बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 12 जुलाई के मौसम की बात करें तो IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार कल राज्य के अधिकांश जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिलों में एक दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आज से तेज होगा आंदोलन। बीते दिन से शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत आंदोलन की शुरुआत गर्दनी बाग के धरना स्थल से की गई। इस दौरान बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा बताया गया कि इस आंदोलन में राज्य के अलग अलग जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं और उनका यह आंदोलन 14 जुलाई तक अलग अलग तरीकों से चलेगा, जिसके तहत आज यानी कि 11 जुलाई को बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में सुबह के समय विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा और साथ ही विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। वहीं 13 जुलाई को BJP शिक्षकों के पक्ष में गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च करेगी। मालूम हो कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की यह मांग है कि उन्हें बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिले और साथ ही डोमिसाइल नीति को वापस से लागू किया जाए। अरवल में शराब की बड़ी खेप बरामद।
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा इन पर नकेल कसने के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिल पा रहा। बता दें कि ताजा मामला बिहार के अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर NH 139 पर सम्राट होटल के समीप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के नेतृत्व में टीम गठित कर वाहन जांच अभियान के दौरान एक 6-चक्का ट्रक से 535 कार्टून में 14,016 बोतल में कुल 4,761 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए और साथ ही दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान ट्रक चालक अमित राठौर और सह चालक अनिल राउत के रूप में की गई है। बता दें कि बरामद किए गए शराब की कीमत कुल 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं फिलहाल इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ लेने के लिए इस वेबसाइट पर करें आवेदन। बिहार सरकार की ओर से BPSC और UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को आगे होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर कुछ प्रोत्साहन राशि सौंपी जाती है। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार की वैसी महिला अभ्यर्थी जो BPSC एवं UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर जाती है, वे सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकती है, क्योंकि इस योजना के तहत सरकार की ओर से मुख्य परीक्षा के बेहतर तैयारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत BPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थी को 50,000 रुपए तो वहीं UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थी को 1,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0612-25060-68 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने के लिए https://fts.bih.nic.in/swds/default.html पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। फोर्ब्स के लिस्ट में इन चार भारतीय महिलाओं को मिली जगह। भारतीय मूल की महिलाएं पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। बता दें कि फोर्ब्स के लिस्ट में भारतीय मूल की चार महिलाओं के नाम को जगह दिया गया है, जो खुद से मुकाम हासिल करने वाली 100 सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में शामिल है। मालूम हो कि इन चार महिलाओं का ज्वाइंट नेटवर्थ $4 अरब से ज्यादा है। बता दें कि फोर्ब्स के द्वारा अपने लिस्ट में जिन चार भारतीय महिलाओं के नाम को शामिल किया गया है, उनमें कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और CEO जयश्री उल्लाल, IT कंसल्टेंट और आउटसोर्सिंग फर्म सेंटल की को फाउंडर निर्जा सेट्टी, क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लुएंट की को फाउंडर और फॉर्मर CTO नेहा नारखेड़े और पेप्सिको की फॉर्मर चेयरमैन और CEO इंद्रा न्यूई के नाम शामिल है, जिसमें जयश्री उल्लाल इस लिस्ट में अपनी कुल नेटवर्थ $2.4 अरब के साथ 15वें स्थान पर है। वहीं निर्जा सेठी $99 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 25वें, नेहा नारखेड़े $52 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 38वें और इंद्रा नुई $35 करोड़ की नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 77वें पायदान पर है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट हुआ पेश। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट 2023-24 वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा सदन में पेश किया गया। प्रथम अनुपूरक बजट की प्रस्तावित राशि 43,774.7581 करोड़ रुपए है, जिसमें सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसके बाद सात निश्चय योजना पार्ट दो में राशि को निर्गत किया गया। वार्षिक स्कीम मद में 25,699.86 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं स्थापना के मद में 18,071.07 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं केंद्रीय क्षेत्र में यह राशि 3,780 लाख रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय स्कीमों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 166.48 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना मद में 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुंबई में बिहार भवन के लिए जमीन खरीदने के लिए 160 करोड़ रखे गए हैं। RJD में अब कोई भी नेता अपने मन से नहीं देंगे कोई बयान। बीते दिन बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के स्थगित होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपने पटना स्थित आवास पर RJD विधायकों और मंत्रियों की बैठक की गई। वहीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई कि इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपने पार्टी के नेताओं को यह निर्देश दिया गया कि वह बेवजह बयानबाजी देने से बचे और सिर्फ वही बयान दे जो बयान देने के लिए अधिकृत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ही किसी गंभीर मसले पर अपना बयान दे। इसके साथ ही उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि
वह ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे उसका असर महागठबंधन पर पड़े। विपक्षी दलों पर बीजेपी की नजर है, इसलिए हर वक्त चौकन्ना और सतर्क रहें। वहीं इस पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा कहा गया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जी विपक्षी एकता और बेहतर तरीके से काम करने के लिए हम लोगों को गुरु मंत्र दिया है, कहीं कोई विवाद नहीं है। ऑल इज वेल, महागठबंधन एकजुट है, हम लोग मिलकर बीजेपी को भगाएंगे, सरकार हम लोगों की चलती रहेगी। वहीं आरजेडी विधान पार्षद सुनील सिंह के द्वारा कहा गया कि वह अब कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, वह लालू यादव के प्रति वफादार है और हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर तीखा हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर दायर की गई चार्जशीट पर बीजेपी के द्वारा लगातार उनसे इस्तीफा की मांग की जा रही है। वहीं अब इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की कृपा के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए अब नीतीश कुमार से यह उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वह तेजस्वी यादव को अपने कैबिनेट से बर्खास्त करेंगे। नीतीश कुमार अब चाहकर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए बीजेपी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तेजस्वी यादव अपने चार्जशीट को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके खिलाफ वर्ष 2017 को लेकर चार्जशीट दायर किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ दायर की गई यह चार्जशीट 2017 की नहीं है, बल्कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर है। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी दी और उसके बदले जमीन लिखवा ली। तेजस्वी ने जिस कंपनी को महज 1 लाख रुपए में खरीद दिया था, उस कंपनी के पास आज करोड़ों की संपत्ति है। राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के खास कनेक्शन का हुआ खुलासा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें वह राहुल द्रविड़ के साथ नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि विराट कोहली के द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट से विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के साल 2011 के कनेक्शन के बारे में पता चलता है। बता दें कि इस पोस्ट को शेयर करते हुए विराट कोहली ने कैप्शन में लिखा है कि वो दो खिलाड़ी जो साल 2011 में डोमिनिका में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच का हिस्सा रहे थे, कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा हमको अलग अलग क्षमताओं के साथ वापस यहां ले आएगी, हमेशा आभारी रहूंगा। दरअसल भारतीय टीम ने डोमिनिका में अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2011 में खेला था। उस टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ बतौर खिलाड़ी खेले थे और विराट कोहली भी टीम का हिस्सा रहे थे। उसी टेस्ट मैच की यादें ताजा करते हुए कोहली ने यह पोस्ट शेयर की। मालूम हो कि साल 2011 में डोमिनिका में खेला गया भारत और वेस्टइंडीज के बीच इकलौता टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम ने फर्स्ट इनिंग में 204 रन बनाए थे। इसका जवाब में भारतीय टीम ने 347 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे और फिर दूसरी इनिंग में वेस्टइंडीज ने 322 रन जड़े थे। चौथी पारी में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 94 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ रहा था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। ब्रिटानी संसद ने 1832 में सती प्रथा के उन्मूलन के खिलाफ शुद्धतावादी हिंदुओं के अपील को खारिज किया। सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल 1889 में बना। चर्चित चित्रकार MF हुसैन ने 2007 में न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदा ए सरहद बस का परिचालन 2003 में हुआ। भारतीय न्यायाधीश एवं राजनेता सी शंकर नायर का जन्म 1857 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का जन्म 1902 में हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता कुमार गौरव का जन्म 1960 में हुआ था। कोलकाता आई पहली विदेशी महिला बेगम रेजा बीबे सुकेस का निधन 1630 में हुआ था। भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन 2003 में हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा निराने का निधन 2011 में हुआ था। आज के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालघर में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वेबसाइट PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलरशिप की पेशकश करने का दावा करती है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट फेक है। रिटेल आउटलेट डीलरशिप पर प्रमाणिक और आधिकारिक जानकारी के लिए http://petrolpumpdealerchain.in पर जाएं। लैपटॉप या डेस्कटॉप पर QR कोड के बदले अब ऐसे लिंक कर पाएंगे डिवाइस। मेटा ने व्हाट्सएप के वेब और मोबाइल वर्जन में एक नया अपडेट यूजर्स को दिया है। हालांकि अभी ये अपडेट सभी यूजर्स को नहीं मिला है। दरअसल अब आप आसानी से अपना व्हाट्सएप अकाउंट वेब में लॉगिन कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी ने मोबाइल नंबर लॉगिन की शुरुआत की है, यानी कि अब आप व्हाट्सएप वेब पर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको वेब पर जाकर लॉगिन विद मोबाइल चुनना होगा और नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको एक OTP दिखाई देगा, इसे आपको अपने प्राइमरी मोबाइल पर डालना है। इस तरह आप आसानी से मोबाइल नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप वेब में लॉगिन कर पाएंगे।
इस अपडेट की वजह से उन लोगों को फायदा होगा जिनका कैमरा क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पाता। दरअसल कई बार कैमरा खराब हो जाता है जिसके चलते ये ठीक से क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पाता। इससे लोगों को व्हाट्सएप को लॉग इन करने में परेशानी होती है, लेकिन अब मोबाइल नंबर लॉग इन की मदद से यूजर्स आसानी से व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। पहला सवाल, 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होने वाला है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन कोलकाता, तीसरा ऑप्शन मुंबई, चौथा ऑप्शन अहमदाबाद। अब चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। इसका उत्तर है दूसरा ऑप्शन कोलकाता। दूसरा सवाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई में सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग, दूसरा ऑप्शन गौतम गंभीर, तीसरा ऑप्शन चेतन चौहान, चौथा ऑप्शन अजीत अगरकर। अब चलिए बढ़ते हैं इस सवाल के उत्तर की ओर। इसका उत्तर है अजीत अगरकर। तीसरा सवाल, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू हुई है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन दिल्ली, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है चेन्नई। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन पटना, दूसरा ऑप्शन हाजीपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा ऑप्शन कटिहार। इसका उत्तर है हाजीपुर। अब चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला इनमें कौन है? पहला ऑप्शन पटना, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन दरभंगा, चौथा ऑप्शन पश्चिम चंपारण। इस सवाल का उत्तर है चौथा ऑप्शन पश्चिम चंपारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद तवरेज आलम, अमन कुमार, मंटू कुमार, सलीम अंसारी, राजीव कुमार, मोटू रंगीला, राजकिशोर महतो, विकास दास, सोनू गोलू कुमार, अतीक खान, राजवीर पाल, निमजिम कुमारी, चंदन, अंजनी कुमारी, प्रेमा सागर गुप्ता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या किया जाना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।